हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रसायन विज्ञान के बारे में। इसके हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो सभी टॉपिक होंगे इस लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक के। जी हाँ, जो आप अभी सामने अपनी बुक देख रहे हैं, जी हाँ, ये आपकी एक्चुअली अपनी बुक है। अगर आपको याद होगा तो शायद ये बुक सेल्फ में आपके पास ये बुक रखी होगी, तो कॉमन सी बात है ये बुक आपकी बुक हो गई। वो बात अलग है कि आपने शायद उसको ढंग से नहीं पढ़ा हो। अगर पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने आपके लिए इम्पोर्टेंट थे जो स्किप हो गई शायद। अगर स्किप नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम कवर करेंगे ये सभी टॉपिक। इसमें हम कवर करेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना, गैसों का आचरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण एवं अपकरण, अम्ल, भस्म और लवण विलयन, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। और बताना चाहूँगा जो सब्सक्राइबर, जो स्टूडेंट, एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई मैं करना चाहता हूँ कि वीडियो देखते समय आप कम से कम अपने पास ये बुक रखें और उसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप हाईलाइट करते चलें जो पॉइंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह ब्रांच होती है, वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उन सब का इसमें क्या कराया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है, केमी, केमी का वर्ड होता है, एक्चुअली जो मीनिंग होता है वो होता है काली मिट्टी। और केमी जो शब्द है, काली मिट्टी, केमी कहते थे मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। वहां से इसकी स्टार्टिंग है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई। कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि काली मिट्टी को केमी कहाँ पर पुकारा जाता है, कहाँ पर इस नाम से इसको जाना जाता है, तो वो है आपका मिस्र। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे, केमी टेकिंग कहा जाता था। अब देखो हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, रसायन विज्ञान का फादर कौन है, रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इसका नाम है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है लवाइसिए। अब हम बात करते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, स्पेस लेती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, तो उसे हम कहते हैं पदार्थ, जैसे जल, हवा, बालू आदि। देखिए प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी जो वस्तुएं होती हैं पांच तत्वों के संयोग से बनती हैं। मतलब कि प्रकृति की जो भी वस्तु होगी वो पांच तत्वों से मिलकर बनेगी। ऐसा अनुमान जो लगाया था वो किसने लगाया था, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, भारतीयों और यूनानियों ने मिलकर के ऐसा अनुमान लगाया था। और ये पांच तत्व कौन कौन से थे, क्षितिज, जल, पावक, पावक का मतलब अग्नि, गगन एवं समीर। तो इन सब से मिलकर बनता था क्या, वस्तुएं, सारी वस्तुएं जो बनती हैं प्रकृति की वो सभी इन्हीं चीजों से मिलकर बनती हैं। तो आप याद रखना क्वेश्चंस को, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पांच तत्व हैं, उनके नाम, और किसने कहा था, ये कहा था भारतीयों और यूनानियों ने। अब हम बात करते हैं परमाणु। परमाणु शब्द की फर्स्ट टाइम जो उत्पत्ति हुई थी, परमाणु ये जो शब्द की उत्पत्ति किसके मुख से निकला था, ये शब्द निकला था सबसे पहले एक भारत के एक महान ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। इनके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिन्हें बोलते हैं परमाणु। ठीक है, तो इनके ऋषि का नाम आप याद रखना क्योंकि कई बार ग्रेड डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो इसको आपने याद पक्का करना है, इसको स्किप नहीं करना है, बुक में इसी तरह से आपको हाईलाइट करना है। जो मैं ग्रीन कलर से जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ और आपको ये पॉइंट भी आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले मैं कुछ ये पूरी पीडीएफ पढ़ लेता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बातों बातों में और अच्छी लग जाती है तो मैं उसको भी अलग से हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं ठोस के बारे में, सॉलिड के बारे में, कि ठोस क्या होता है। देखिए पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे कहते हैं ठोस। और जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं ठोस। लिक्विड होता है द्रव। ठीक है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है। लिक्विड का कभी कोई आकार होता है, जिसमें ढालो उसमें ढल जाता है।
लेकिन आयतन निश्चित होता है, वो कहलाता है द्रव, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल और मिट्टी का तेल। अब हम बात करते हैं गैस। गैस का जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, गैस। जैसे हवा, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैसें हैं। अब देखिए जल जो है, जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे जल ठोस, अगर हम उसकी बर्फ जमाएं तो वो बन जाएगा ठोस। जल द्रव अपने आप में होता है, अगर जल को थोड़ा सा गर्म कर जाए तो वो बन जाएगी गैस, वाष्प बन के वो उड़ जाएगा। तो ये तीनों अवस्था में मिलता है। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये तीनों अवस्थाएं इसकी याद रखनी है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। अब क्या होता है मिश्रण, मिक्सर किसे बोलते हैं, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है वो कहलाता है मिश्रण। इसे तरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा, जैसे एयर। अब हम बात करते हैं रवारण क्या होता है। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक जो ठोस होते हैं उनके मिश्रण को अलग किया जाता है। अकार्बनिक ठोस को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, उस विधि का नाम बताइए। तो आपके सामने चार ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है रवारण, ये एक एक्चुअली विधि है जिसमें क्या होता है कि अकार्बनिक ठोस को अलग कर देते हैं। अब देखिए आसवन विधि क्या होती है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, जब द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होगा, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, तो उस समय इस्तेमाल होगी कौन सी विधि, तो उस समय इस्तेमाल होगी आसवन विधि। प्रथम भाग होता है वाष्पीकरण, दूसरा भाग होता है संघनन। अब हम बात करते हैं भाप आसवन क्या होता है, स्टीम। तो ये होता है कि इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील हो जाता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है, जैसे एसीटोन, मैथिल अल्कोहल आदि। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर हो जाता है। यह नियत ताप वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस ताप पर कोई चीज मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जिस ताप पर, जिस प्रॉपर मतलब दाब पर कोई भी चीज फ्रीज हो जाए, जम जाए, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन क्या होता है। देखिए क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं, मतलब कि जब उन्हें गलाया जाएगा तो उनका क्या होगा, आयतन, वॉल्यूम वगैरह उनका बढ़ जाएगा। तो ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में खुद डूब जाता है। मुद्रण धातु कौन सी होती है, ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर क्या होते हैं, आयतन में बढ़ जाते हैं। जो जमने पर आयतन में बढ़ जाते हैं उन धातु को हम क्या कहते हैं, उन धातु को बोलते हैं मुद्रण धातु। आगे हम बात करते हैं वाष्पीकरण, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, वाष्पन तथा क्वथनांक, वाष्पन तथा क्वथनांक। तो देखिए आपको इसी तरीके से स्टडी करनी है। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली बुक बहुत मोटी है, अगर आप रिसेंट बुक को देखते हैं, हाथ में लेते हैं, तो उसके काफ़ी सारे पेज हैं। एक एक पॉइंट को ढंग से समझाना, उसको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करने में, इस बुक को ख़त्म करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा, तब जब मैं एक वीडियो पर डे का अपलोड करूँ। इसलिए कुछ चीज़ें मैं स्किप भी करा रहा हूँ, केवल वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी इन पॉइंट को तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, पूरी बुक की एक एक लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको केवल अपना एक सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, जॉब लेने के बाद में अपने पास इस बुक को रखिएगा, जो लाइन स्किप कर दी है नॉलेज के लिए, आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी टारगेट ये है कि जॉब किसी भी हालत में गेन करनी है, प्राप्त करनी है, करो या मरो वाली कंडीशंस आपके पास अभी होनी चाहिए। और कई बच्चों के पास ऐसी कंडीशंस होगी भी, क्योंकि तो घर से फायरिंग होती है, फायरिंग इन द सेंस के पापा जब पूछते हैं बेटा क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, कोई एग्जाम है क्या हुआ उस एग्जाम का, तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये किसी फायरिंग से कम नहीं होते। तो एक्चुअली कभी कभी अपनों की फायरिंग बहुत काम आती है, आंखें खोल देती है, और फायरिंग की मात्रा जरूरत से ज्यादा जब बढ़ जाती है तो समझ जाओ कि आपको समय बहुत अधिक हो गया तैयारी करते हुए, कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे थे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ।
बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मेरी बात को अगर आप टटोलोगे, अपने आप को चेक करोगे, तो आपको चल जाएगा पता कि मेरा असली कहने का मतलब क्या है। तो इसलिए ठीक है, जो हुआ पश्चाताप आपको नहीं करना है, इतिहास से आपको सीखना है कि कहाँ पे गलती करी है, अगली बार से ये गलती नहीं करनी है, हारना नहीं है लेकिन। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चलते हैं आगे। फिलहाल दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत दाब जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब हम बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना क्या होती है, इसमें बात करते हैं एटम के बारे में। एटम के एक्चुअली एटम और जो अणु है, जो आपका परमाणु और अणु दोनों ही कहना कि सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग हैं। जैसे बताना चाहूंगा मैं कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन अणु में क्या होता है कि छोटे से छोटा जो भी कण होगा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, लेकिन अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब हम बात करते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु कार्बन के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर इनका योग करा जाए तो उस पर परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या किससे मिलकर बनती है, ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं सामने, देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला दिखा रखा है वो बुक में, तरीके से समझा रखा है देखिए। तो इसलिए आपको याद रखना है द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटोन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु चार क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो कितनी संख्या होती है, टोटल होती है चार क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपको दिशा में ये देगा, तो आपको याद रखना है चार। बड़े आगे टेंशन मत लो बच्चों, क्योंकि तो मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर स्किप बहुत करवा रहे हैं, इस तरह के मुझे पता है कि कमेंट आएंगे, लेकिन क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। कितना खाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कितना पचाया, राइट। ये बात मैं काफी अपने वीडियो में कह चुका हूँ, शायद आप सुन सुन के पक चुके होंगे, अब आज के बाद ये वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, चिंता मत करिए। अब देखिए बॉयल का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेडनिक की आवर्त नियम क्या है, तो इसमें आपको डायरेक्ट याद करना है कि इसका आवर्त नियम में केवल आपसे जो इम्पोर्टेंट है कि मेडनिक द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग होते हैं और इसमें क्या होते हैं 7 आवर्त थे। और अब क्या हुआ कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष भी थे, हाइड्रोजन का क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में इसको रखा गया है, हाइड्रोजन को दोनों भागों में रखा गया है। अब देखिए समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, इसमें ये दोष था, तो दोष आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और इसको किसने बनाया था, तो इसको बोलते हैं मोज़ले का नियम। इसने बनाया था 1913 में, इसमें आवर्त सारणी में कुछ मॉडिफाई करा, और अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है आवर्त में जो संख्या है वो 7 होती है और एक वर्ग की संख्या 9 होती है, वर्ग की संख्या 9 और आवर्त की संख्या 7। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक एकिटनाइड श्रेणी कहा गया है। तो ये श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक परमाणु संख्या रखी गई है वो आपको ध्यान रखना है, 57 to 71, और एकिटनाइड श्रेणी में रखा गया है आपकी परमाणु संख्या 89 से 103। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, सबसे अधिक जो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है उसका नाम बताइए, तो इसका नाम है आपका कैलोरीन, इसको बोलते हैं कैलोरीन या क्लोरीन। अब देखिए फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन की विद्युत जो होती है वो ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। एटॉमिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की पुनर्व्यवस्था
वृत्तकरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन, एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। ये आप याद रखिएगा बस, एटॉमिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? ये होते हैं टोटल तीन प्रकार के। अब हम बात करते हैं सहसंयोजी बंधन। जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजन बंधन कहते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है ये कहलाता है ऑक्सीकरण। अवकरण क्या होता है? विद्युत धनात्मक परमाणु, वो क्या था? ये आपका ऑक्सीकरण क्या था? ये था आपका ऋणात्मक, ये है आपका धनात्मक परमाणु, या मूलक के अनुपात का बढ़ जाना, धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये करता है आपका अवकरण, ये कहलाता है कि आपका अवकरण। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेश की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाता है, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? KmNO4। ये आपको याद नहीं करना है, बस केवल एक बार रीड करना है। अम्ल, भस्म एवं लवण। इसमें हम पढ़ेंगे केवल अम्ल के बारे में कि अम्ल वे यौगिक पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में ये होते हैं खट्टे, और अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं जो येलो से हाइलाइट करे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा सदा सदा बाहर होते हैं, कभी भी कहीं भी टपक सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए इनको याद रखना कि अम्ल का जलीय विलयन विलयन जो होता है नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो ये करता है लाल रंग में, याद रखना। अब हम बात करते हैं अम्लों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। खाने के काम में आता है, जैसे लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध, दही वगैरह जो बनता है, सिरका एवं अचार, सोडा वाटर में, अंगूर में, सेब में, नींबू एवं नारंगी में, ये सब में यूज होता है आपका अम्ल। खाना पचाने में HCI अम्ल का उपयोग होता है, और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में करा जाता है। नाइट्रिक अम्ल का यूज किस में होता है? सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में करा जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करा जाता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका ऑक्जैलिक अम्ल। अब हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। घरों में चूना पोतने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृत बनाने में, और चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने के लिए, और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करा जाता है। कुछ प्रमुख भस्म होते हैं, इन सब का इसमें प्रयोग करा जाता है। अब हम बात करते हैं कास्टिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने में किसका प्रयोग करा जाता है? तो वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। दवा बनाने में, पेट्रोल साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखाना को साफ करने में प्रयोग करा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। अब हम बोलते हैं साल्ट। साल्ट क्या होता है? नमक क्या होता है? अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग क्या है। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो होता है खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग होता है। तो अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन आप एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कपड़ा धोने में किसका प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का। ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है,
कार्बोनेट जो है वो है आपका कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है, लेकिन बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है आपका इसका अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पीएच स्केल क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 8.4। आपको रक्त का याद करना है, आपको लार का याद करना है, आपको दूध और मूत्र दोनों का याद करना है, और आपको याद करना है एक्चुअली नींबू का। सारे याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपको 1 2 3 4 5 ये 5 आपको पक्का करने हैं, ठीक है इसको आपने स्किप नहीं करना है। और कुछ चीज़ एक्चुअली ऊपर रह गई थी शायद उसके कमेंट आए इससे पहले, क्योंकि मुझे बच्चे कमेंट बहुत कर देते हैं कभी कभी छोटी सी गलती पे बहुत कमेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका अम्ल का नाम प्राकृतिक स्रोत सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसका नाम बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में, तो आपको राइट आंसर लगाना है अपना। इसमें पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। आपको इमली और टमाटर दूध इन तीनों का जो है आपको अम्ल याद करना है, ठीक है। दही में कौन सा अम्ल मिलता है, ये मिलता है लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में, ठीक है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मैथेनाइक अम्ल, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सब आपको अच्छे से याद करने हैं, सारे याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, काफी सिक्योर रहेंगे आप अपने एग्जाम के लिए। अगर सब याद नहीं कर पाते हैं, टाइम बहुत कम है एग्जाम का आपके पास, तो आप केवल उतने याद कर सकते हैं। टाइम कम है इन द सेंस कि अगर एग्जाम में आपके केवल 1 महीना बचा है तो आप केवल उतने याद करिए। अगर एग्जाम में टाइम बचा आपका 6 महीने 7 महीने तो आप हर पॉइंट को याद करना। अब देखिए हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। अब देखिए वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, ये 5.6 से कम होता है, या 5.6 से हमेशा ये कम होता है। विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, ये क्या है समांग मिश्रण है। अब हम बात करते हैं निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10^-3 सेंटीमीटर से 10^-4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। कोलाइड इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10^-5 और 10^-7 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और इस कणों को हम क्या कहते हैं नग्न आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, बल्कि उसको देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी से। अब हम बात करते हैं पायस के बारे में। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है घुलते नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं, ऐसे कोलाइड को हम बोलते हैं पायस। पायस बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं पायसीकरण। आप याद रखें इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं पायसीकरण। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट क्या है एक कृत्रिम पायस है। दूध किस प्रकार का पायस है आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो ये है आपका प्राकृतिक, जबकि पेंट जो है एक कृत्रिम, मतलब इसको बनाया जाता है पायस। अब हम बात करते हैं झाग फॉर्म। द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है, ये साबुन से उत्पन्न होता है। झाग किससे उत्पन्न होता है, साबुन से। अब हम बात करते हैं ब्राउनी गति क्या होती है। देखिए कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे बोलते हैं ब्राउनी गति। यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा मध्यम की सघनता जितनी ही कम होती है, ताप जितना ही अधिक होता है गति उतनी ही तेज हो जाती है। तो यह है आपका ब्राउनी गति का नियम। आगे हम बात करते हैं, देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है। इसका जो होता है कणों का आकार 10^-1 से कम होता है। तो पहला पॉइंट वास्तविक विलयन का ये होता है, और इस पदार्थ का कण हर अवस्था में अदृश्य होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें नहीं करते हैं। तो पदार्थ का कण जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, तो तीन ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वास्तविक विलयन में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यार। और कोलाइडी विलयन की बात करी जाए तो आपको केवल इसका ये चीज़, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये जो है कोलाइडी विलयन इसका अपोजिट है, चलो देख लेते हैं फिर भी एक बार। इसमें जो होता है कोलाइडी विलयन में पदार्थ के कणों का आकार व्यास प्राय इतने सेंटीमीटर से इतने 10^-1 के बीच में होते हैं। उसके बाद में प्रकाश का प्रकीर्णन ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
और उसके बाद में पॉइंट नंबर टू है आपका, कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। इसको तो हम देख ही नहीं सकते, वास्तविक विलयन को हम देख ही नहीं सकते, लेकिन इसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है और आवर्त सारणी में इसके जो पोजिशन है, जो इसको रखा गया है, वो रखा गया है 4A में। ठीक है, यही रखा गया 4A में, वर्ग में। इसकी वर्ग संख्या क्या है? 4A। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट। और हीरा क्या है? ताप एवं विद्युत का ये कुचालक होता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, ये विद्युत का कुचालक होता है, ताप का कुचालक होता है। और इसके बाद में शुद्ध हीरा क्या होता है? पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। ये क्या होता है? पारदर्शक होता है और रंगहीन होता है। कुछ हीरे जो होते हैं काले होते हैं, और काले हीरे को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोर्ड। और इसका उपयोग शीशे काटने में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें होता है? शीशों को काटने में। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, कि विद्युत का ये सुचालक होता है ग्रेफाइट, और आपेक्षिक जो घनत्व होता है वो होता है 2.2। और कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है। क्या बनाता है? ये काला निशान। और इसलिए इसको काला शीशा भी बोलते हैं। काला शीशा किसको बोलते हैं? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट का उपयोग किस किस में होता है? पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में, और इलेक्ट्रोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है? एग्जाम में आपसे ये पूछता है तो आपको याद रखना है कि ये है एक्चुअली बहुलक, और बहुलक मतलब कि ये आपका बहुलीकरण की विशेषता वाला। तो देख लीजिए बहुलक क्या होते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब एक ही यौगिक के दो या अधिक अणु आपस में संयोग करके एक अणु बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर मतलब बहुलक कहते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? प्राकृतिक प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है, वो है आपका लाह। देखिए, रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेंटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे आपको पॉलीथीन वगैरह यूज करते हैं ना, आपका पॉलिस्टाइन, पॉलीथीन, नायलॉन, ये सब आते हैं आपके क्या? थर्मोप्लास्टिक में। और फिर हम बात करते हैं आपसे, देखिए डायरेक्ट बात करता हूँ मैं आपसे रबड़ के बारे में, कि रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होते हैं प्राकृतिक जो हमको नेचुरल मिलते हैं, एक होते हैं आपका संश्लेषित जो फिलहाल मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है आपसे, तो यह है बहुलक आइसोप्रीन का। वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ अगर गर्म कर दिया जाता है तो क्या होती है? ये क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्या होता है कि प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर अगर एक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसको बोलते हैं वल्कनीकरण। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में बड़ी आसानी से घुल जाता है। अगर आपको रबड़ को घोलना हो तो क्या करेंगे आप लोग? कार्बन डाइसल्फाइड में के घोल में उसको डाल देंगे। अब देखिए, प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में करा जाता है। तो फिर ये प्राकृतिक रबड़ हमको स्टार्टिंग में मिलता है, काफी सॉफ्ट होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आपका गीला आटा होता है ना, सेम वैसे ही होता है प्राकृतिक रबड़। लेकिन इसको ठोसनेस इसमें बनाई जाती है, वो मिलती है कैसे? जब हम उसमें कार्बन मिला देंगे। याद रखना इस वर्ड को, कार्बन। रासायनिक रेसे, इसको हम बोलते हैं आपका नायलॉन। नायलॉन शब्द का जो प्रयोग है वो है न्यूयॉर्क से, न्यू का मतलब न्यूयॉर्क से, और आपका लॉन से बना है आपका लंदन, नाई से बना है न्यूयॉर्क, लॉन से बना है लंदन, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के बना है आपका नायलॉन। रेयान क्या होता है? सेलुलोज से बने कृत्रिम रेसे को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रेयान। और रेयान बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। किसको लेते हैं? लुगदी या कास्ट। कार्बन फाइबर, अब देखिए कार्बन फाइबर्स क्या होते हैं, कि कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं, इनका कोरिजन नहीं होता है, इनका संक्षारण नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों की वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम उद्योग।
पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है और कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं पेट्रोलियम प्रभाजों के कुछ नाम, किस टेम्परेचर पर उसको उबाला जाएगा, किस टेम्परेचर पर पकाया जाएगा और कहाँ पर इसका प्रयोग होगा। देखिए, आपको केवल याद रखना है स्नेहक तेल जो होता है, स्नेहक तेल के रूप में ये जो तेल होता है, ये दवा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पारफीन मोम का इस्तेमाल होता है मोमबत्ती बनाने के लिए, और कोल तार आपको पता होगा सड़क बनाने के लिए, तो मैंने उसको हाईलाइट नहीं करा है। बस कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, दो ही थे जो आपको पता होने चाहिए। कार्बन अणुओं की संख्या आप चाहें तो इन दोनों की याद कर सकते हैं, कभी कभी अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये पूछ लेता है। ये दो चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? कार्बन अणुओं की संख्या क्या है स्नेहक तेल के एग्जाम में ये पूछेगा, या पूछेगा पाराफिन मोम, स्टेट पीसीएस जीएस पेपर वन में ये पूछेगा। अब हम बात करते हैं ईंधन के बारे में कि ईंधन क्या होता है। इस वीडियो में बस केवल केवल इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका व्हाट्सअप है तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसके लिंक को सेंड करिए फटाफट, और अगर आप ट्विटर फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको मैक्सिमम आप शेयर करिए, क्योंकि आप भी देखिए पढ़िए और औरों को भी पढ़ने का पूरा मौका दीजिए। मन के अंदर पढ़ते हुए किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं पढ़ता हूँ अपने दोस्त को नहीं पढ़ने दूंगा, नहीं भेजूंगा उसको ये वीडियो, ऐसी भावना आप अपने अंदर मत लाइए। सबका साथ सबका विकास, अपने साथ साथ औरों की भलाई के बारे में भी सोचिए, और इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो ये वीडियो सर्च इंजन पर कभी भी और किसी बच्चे को सर्च नहीं हो पाता है। तो इसलिए बहुत फर्क पड़ता है आपके लाइक से, बहुत फर्क पड़ता है आपके व्यू से, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए मैक्सिमम। इस वीडियो को एक बार और प्ले करना, रीजन ये है कि अगर आपने बुक में हाईलाइट कर रखा है तो सेकंड टाइम जो आप प्ले करेंगे तो उन सभी जो आप हाईलाइट करेंगे तो उसको खुद एक बार बोल के देखेंगे उन सभी पॉइंटों को, ठीक है? और फिर तीसरी बार इस वीडियो को वॉच नहीं करना है आपने, बिल्कुल भी जिंदगी में दोबारा वॉच नहीं करना, ठीक है? इन सभी वीडियो को आपने टाटा बाय बोल देना है, हाईलाइट करो, दोबारा वीडियो को वॉच करो, तीसरी बार आपने वीडियो को वॉच नहीं करना। तो ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।